बात करेंगे आज लवली इनू कॉइन के बारे में। लवली इनू कॉइन को लेके आज कुछ अपडेट्स हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। पिछले कुछ टाइम से लवली इनू का अगर हम ग्राफ देखें तो पिछले कुछ टाइम से लवली इनू के जो प्राइस हैं वो डंप थे। आज लवली इनू ग्रीन में दिख रहा है 7 से 8% तक। अभी जो करंट प्राइस है वो ऊपर है 7-8%, लेकिन काफ़ी डंप हुआ है पिछले कुछ दिनों में। और यहाँ से देखो, कोई क्रिप्टो करेंसी डंप भी जाएगी, अगर गेन अच्छा करती है तो डंप भी जाएगी, ठीक है। हमेशा गेन में नहीं रहेगी, ग्रीन में नहीं रहेगी, ये चीज़ आपको भी समझनी चाहिए। तो आज ग्रीन सिग्नल दिखता हुआ लवली इनू कॉइन का। और लवली इनू कॉइन को लेके एक बड़ी अपडेट ये है कि जो हाई डीएस टोकन लॉन्च हुआ था, जिसकी प्री सेल जो शुरू हुई थी, उस हाई डीएस टोकन की लॉन्चिंग होने वाली है ला टोकन के ऊपर। मतलब ला टोकन के ऊपर लिस्ट होने वाला है, 26 सितंबर को ये लिस्टिंग होगी। और लिस्टिंग के बाद हम हाई डीएस टोकन के अंदर भी अच्छा गेन देखने को मिल सकता है। जब इसकी लिस्टिंग होगी तो हाई डीएस में अच्छा गेन आएगा, तो हाई डीएस का परफॉर्मेंस और लवली इनू पे सीधा असर डालेगा। तो एक सबसे बड़ी अपडेट तो यही है कि जो हाई डीएस टोकन है वो लॉन्च होने वाला है, वो लिस्ट होने वाला है ला टोकन के ऊपर। और यहाँ से अब अक्टूबर आने वाला है, ठीक है। और अब जल्दी ही आपको जो कॉइन मार्केट कैप और कॉइन गेको की लिस्टिंग बेहद ज़रूरी है लवली इनू के लिए। पहला स्टेप अगर कोई है तो वो सबसे बड़ा स्टेप कॉइन मार्केट कैप है। उसके बाद जो रास्ते हैं वो काफ़ी सारे खुल जाएंगे लवली इनू कॉइन के लिए। आप खुद इमेजिन करो, जब कॉइन मार्केट कैप पे लवली इनू कॉइन लिस्ट होगा तो काफ़ी दरवाजे खुल जाएंगे, वहाँ पे काफ़ी लोग इसको ऐड करेंगे, काफ़ी लोगों की नज़र में आएगा ये कॉइन, काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिंग होगी, इन्वेस्टर्स बढ़ेंगे, एक तरह से लवली इनू कॉइन नज़र में आएगा। और इसके बाद जो रास्ते हैं बाकी एक्सचेंज के, वो रास्ते खुल जाएंगे और अपडेट्स जो हैं आने वाली हैं जल्दी ही। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस 1 हफ्ते 10 दिन में ये जो कॉइन मार्केट कैप है और कॉइन गेको की जो लिस्टिंग है वो हो जाए। और शायद इन्होंने जो कॉइन मार्केट कैप के पास अपनी एप्लीकेशन दी भी हो कि लिस्ट करने के लिए, क्योंकि कॉइन मार्केट कैप की जो टीम है वो रिव्यू करती है सब चीज़ें। तो यहाँ पे जल्दी ही मेरे को ऐसा लगता है इन दोनों पे लिस्टिंग हो जाएगी। तो उसके बाद वजीरएक्स, बाइनेंस का नंबर बाद में आएगा और एक्सचेंज का नंबर आएगा, क्योंकि होल्डर बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अगर आप दूर का सोचोगे तो थोड़ा सा आप वेट करो सितंबर का, अब ये कुछ दिन रह गए हैं। और जल्दी ही हाई डीएस टोकन लॉन्च हो रहा है ला टोकन के ऊपर, और साथ के साथ आपको लिस्टिंग देखने को मिल सकती है। और जल्दी ही इसके बाद अच्छा गेन लवली इनू कॉइन में देखने को मिल सकता है। लेकिन एक चीज़ आज मैं आपको यहाँ क्लियर कर देता हूँ, अगर कोई क्रिप्टो करेंसी अच्छा गेन करती है तो यार वो डंप भी जाएगी, ठीक है, ये चीज़ आप समझो। कोई भी क्रिप्टो करेंसी आपने कभी हमेशा ग्रीन में देखी है तो ऐसे नहीं होता है। और कोई क्रिप्टो करेंसी अगर रेड में रहती है, डाउन रहती है, तो कुछ टाइम के बाद वो सब चीज़ें अपने आप ठीक हो जाती हैं। बस उस क्रिप्टो करेंसी के बारे में आप जानते रहो, अपडेट्स लेते रहो, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए आपको, क्योंकि आपके कहने पे क्रिप्टो करेंसी नहीं चलेगी। आप कहोगे तो कि डेली ग्रीन रहे, तो वो आपके कहने पे नहीं चलेगी। क्रिप्टो करेंसी खुद के परफॉर्मेंस पे चलती है, मतलब खुद का जो कितना उसमें इन्वेस्ट हो रहा है, कितना सब चीज़ें, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं, तब क्रिप्टो करेंसी के जो प्राइस हैं अप डाउन होते हैं। आपके कहने पे क्रिप्टो करेंसी नहीं चलेगी, सिर्फ आपने इन्वेस्ट किया है तो आपके कहने पे कि वो सिर्फ ग्रीन में रहे तो ऐसा नहीं होता है। अगर ग्रीन रहेगी तो रेड भी आएगी, अप आया तो डाउन भी आएगा, तो अप आया तो डाउन के लिए भी आप रेडी रहें। ये सब चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेंगी क्रिप्टो करेंसी मार्केट में, और पेशेंस रखें लॉन्ग टाइम के लिए। तो ये कुछ अपडेट्स थी लवली इनू कॉइन को लेके, और जल्दी ही हमें लिस्टिंग देखने को मिल सकती हैं। तो आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको ये सब वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर आप ज़रूर कर देना। आई होप इस वीडियो में आपको सब चीज़ें समझ आ गई होंगी। आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।